लक्ष्मणगढ़ नगर के प्रसिद्ध भागवत उत्सव की आज की मीटिंग में आए हुए सभी सम्मानित प्रबुद्धगण, माताएं बहने, नौजवान दोस्तों और वार्ड नंबर 26 और 27 के सभी हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। अग्रेज जोशी जी ने लगभग सब बातों का जिक्र आपसे किया है। भागवत उत्सव का नाम आते ही मेरे मन में एक पुराना ख्याल जो दिन में रहता है वो आ गया। पहली बार जब मैं दिल्ली गया तो सबसे पहले जिन्होंने अपने घर पे बुलाकर दिल्ली जाते ही मुझे चार बातें बताई, पाठ पढ़ाया, मंत्र दिया, उनका नाम था परम पूज्य गिरधारी लाल जी भागवत। एक ऐसे नेता जो पूरे जयपुर के जिले के नहीं राजस्थान के ऐसे नेता निर्लज पूरे जीवन पर जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहे। सदापुर लोगों ने बताया था हम उनके जो परम शिष्य 200-400 है उसमें एक आपका भाई है। रामकांत जी, दामोदर जी हमारे पार्षद महोदय, पवन वाल्मीकि जी हमारे पार्षद महोदय, इस बार के पूर्व पार्षद महोदय, शहर के सभी अन्य पार्षद महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं। चुनाव का जो हालात चल रहा है, चुनाव जिस स्थिति से आगे बढ़ रहा है, लगभग आधे विधानसभा क्षेत्र का चुनाव पूरा हो चुका है। लगभग बहुत बढ़िया शहर की चौथी मीटिंग है, ग्रामीण क्षेत्र की 53 पंचायतों में से आधी पंचायतें लगभग हो चुकी है। ऐसा प्यार प्रेम उत्साह लोगों में है, उमंग है, उल्लास है कि अहंकार में जो बात करते हैं हम सब मतदाता 2,80,000 मतदाता एक जैसे ही है, लेकिन अहंकार में जो बात करते हैं हर वार्ड में हर मोहल्ले में एक एक दो दो थानेदार बढ़ाने के लिए कहेंगे वो होगा। मैं ये कह रहा हूं कि वो थानेदार कहेंगे वो नहीं होगा, जनता कहेगी वो होगा। किसी को इस बारे में कतई विस्तृत होने की जरूरत नहीं है। तरह तरह के सगुफे, तरह तरह की बातें शहर में भी आएंगी, ग्रामीण अंचल में भी आएंगी। जो जो चुनाव प्रमाण चलेगा, आज 15 गई 17-18 तो तरह तरह के हमले आएंगे, लेकिन गांव के चौपालों पर, शहर के चौपालों पर ये जो बस्ती माता का आशीर्वाद है ये अपने आप बोलता है। ये किसी के कहने से नहीं बोल सकता, ये तो अपने आप बोलता है। आपका ये जो प्यार है भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीकर में आकर कहा कि एक सरकार केंद्र की दिल्ली में है, दूसरी सरकार राजस्थान में आ रही है। डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार होगी तो राजस्थान डबल स्पीड से दौड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। मनमोहन जी के काम, ये मेरा व्यक्ति है, यहां पर सड़क जानी चाहिए, एक घर के लिए सड़क जानी है,
गली में दूसरी साइड में प्रसाद से देख रहे हैं। जनता का प्रतिनिधि बनने के बाद उस वार्ड के वासी उनकी सहूलियत सुविधाएं जिसको जनता चुनकर भेजती है उन सब की राय लेकर करने की होती है। ये कोई जेब का पैसा नहीं है, ये जनता के टैक्स का पैसा ही एमएलए एमपी लगाते हैं। ये आप ही का पैसा आपके यहां लग रहा है, वोटर तो सब हैं। एक व्यक्ति ये वोट को मान लिया कि वार्ड के 700 वोटों में से एक वोट है, ये कहेगा वही करूंगा। तो 699 को क्या फैसला करना चाहिए, वो फैसला आपके हाथ में। 25 तारीख को फैसला करने से पहले राजस्थान के भविष्य के बारे में सोचिए। राजस्थान में जो कुशासन और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है उसके बारे में सोचिए। नगर पालिका में जिस तरह से दो गला व्यवहार हुआ है उस बारे में सोचिए। आप ये सोचते हैं कि यहां इनके तो सब काम हो रहे हैं, मुस्लिम भाइयों के मामले में भी इनको आपस में जिस तरह से अलग थलग करके कुछ चुनिंदा लोगों में काम हुए हैं उससे मुस्लिम भाई भी बहुत त्रस्त है। कोई ये ना समझे, मैं इतना कहना चाहूंगा, जब 6-8 महीने पहले एक वारदात हुई यहां पर, यहां मौजूद है तो सजग, मैं उस दिन अलवर जिले में था। आप रात को 1:30 बजे तक जब तक उस घटना को कंट्रोल में लेने की पूरी तैयारी नहीं हुई, रात को 1:30 बजे तक मैं आपको उसे फोन कर रहा था लगातार। कोई ये न समझे कि हमारी जानकारी जो है वो लोग बड़े घमंड में थे, लेकिन जो नालिशाही थी उसका जवाब अब मिलेगा इस 80 साल से ऊपर जो भाई बहन है वो 484 वोट हमारे विधानसभा क्षेत्र में। अब उनकी वोटिंग के लिए टीम जा रही है, कल भी 125-150 वोटिंग पोलिंग हुई, आज भी 130-135 वोट पोल है। आज सुबह नरोदरा में से पैसा देखा आपने, वहां नरोदरा में जब हम बैठे थे तो
क्षेत्र है सिमोला। सिमोला में हमारे नाइक परिवार काफी रहते हैं। सुरेंद्र है मुझे एक वोटर जो है वोट नहीं डाल रहा है। एक वोटर वोट नहीं डाल रहा है, वो कह रहा है मैं तो वोट दूंगा नहीं। और उसका ये नाम है, ये टेलीफोन नंबर लेकर रहे हो, वो भाग कर आया वहां से। पोलिंग पार्टी ने कहा कि इन दो घंटे बैठे हैं तो वोट डाल रहे। तो उसने कहा वो मेरे सुरक्षित तक वायर हिंदुस्तान तक। फिर हमने फोन करवाया और उसने वोट डाला। ये जनता की सेवा करने का कार्य है, कहीं ना कहीं काम आए ना उसको। इससे उसने कहा मुझे भाई ऐसे ही आप लोग करते, आपके लिए आपके लिए हमारे दो वोट पड़े आज और दोनों बीजेपी ने। दो वोट भाई देखो एक बार भाई ये सूचना देने वाले को तो माला पे नहीं जाएगी। पवन वाल्मीकि का दोनों वोट है बीजेपी। पवन भाई दोनों वोट घर के आगे खड़े हैं, मैं गलत तो नहीं करने वाला। हमारा पवन जी थारे साथ बटे हो दोनों वोट अब तक सोचने को है। कोई भाई प्रचार ना करे पूरे 10 बजे देखे, पूरे 10 बजे अहंकार और अंधेरे को मिटाएंगे। दीपावली की राम राम हमने सहने की और सहवासी ने आप लोगों ने दीपावली के दिन जो शो लक्ष्मणगढ़ शहर में हुआ उसके लिए मैं नत मस्तक हूं। ऐसा शानदार शो सकता 25 तारीख को वोटिंग होगी। बादल कोर्ट में हम निवेदन करके जा रहे हैं आपसे, 3 को रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका आशीर्वाद मिलेगा। बादल कोर्ट में फिर अपना जीवन।